ये क्या हो रहा है? शत्रु के कदमों की आहट, वो भी इतने करीब से। वो शत्रु आखिर कौन हो सकता है? आप? ये क्या, कहाँ चले गए थे आप? एक फोन तक नहीं किया आपने। दिग्विजय, तुम आ गए बेटा। माँ आप कैसी हैं? देखो तो, अब पूछ रहा है कैसी हो। घर का बड़ा बेटा अचानक से कहीं चला जाए, न फोन करे न मैसेज करे, तो ऐसे में तुम ही बताओ एक माँ कैसे खुश रहेगी। अगर आगे से ऐसा किया ना तो तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी, बहुत पिटाई करूंगी। मेरा बेटा शिवानी, अरे वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ। मैं तुम्हें याद हूं ना? कभी कभी मन में कई सारी बातें होती हैं, जिन बातों का किला बनाकर उन बातों को मन में रखना मजबूरी बन जाती है ना शिवानी। दिल में हमेशा डर बना रहता है कि जो कुछ भी छिपा हुआ है वो कहीं बाहर ना आ जाए। मैं अचानक से वापस कैसे आ गया ये सोच रही हो? रीना और त्रिशूल कहाँ हैं? दिख नहीं रहे? त्रिशूल, रीना, देखो तुम्हारे डैड आए हैं। सब चुप क्यों हैं? सबको सांप सूंघ गया क्या? बड़े मालिक, बात यह है कि रीना एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के को घर में कोई पसंद नहीं करता था, इसीलिए रीना उस लड़के के साथ घर छोड़ के भाग गई। त्रिशूल यही था लेकिन अचानक वो भी घर छोड़ के चला गया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम में से किसी ने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा। इस घर में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, ये मैं देखूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। कौन हो तुम? गोविंद, कौन है ये? ये अभय है, पुलिस ऑफिसर है। पुलिस? देखकर लग तो नहीं रहा। और ये इस घर में कर क्या रहा है? क्या काम है बताओ? आपने ही तो इसे भिजवाया है। जब तक त्रिशूल नहीं मिल जाता तब तक हमारी प्रोटेक्शन के लिए सीनियर ऑफिसर को फोन किया और उन्होंने ही अभय को यहाँ भेजा।
अरे हाँ, याद आया, मैंने ही तो फोन किया था। त्रिशूल कहाँ है? मेरी बात का जवाब दो, त्रिशूल कहाँ है? इतने दिन हो गए, अब तक पता नहीं लगाया। अभी प्रोसेसिंग में है। अब मैं आ गया हूं ना, प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। मालिक धनंजय के रूप में थे तो क्या वो अपने असली रूप में वापस आ गए? मालिक, क्या हुआ? मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, या फिर कोई और बात तो नहीं है? लगता है कि तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। माया, क्या बात है, तुम यहां अचानक? अंकल, वो मैं जैसे लोग मुझे मरा हुआ मानते थे, ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ। बस अब मैं वापस आ गया हूं ना, तो तुम्हें मेरे काफी सवालों के इत्मीनान के साथ जवाब देना होगा। फ्रेश होके आता हूं, बैठिए। हाँ, घर में नया कैरेक्टर। नंदीश, कौन है ये? ये अभय जो है ना, पुलिस, वही लेकर आए हैं। ओहो, पुलिस वाली हैं? लेडी कांस्टेबल हैं या फिर ऑफिसर हैं? ये इनके बेटे को ढूंढ रही हैं। वैसे आपका बेटा कौन है? जाने दीजिए, मुझे क्या, बस आपको आपका बेटा मिल जाए। ये वही धनंजय है जो गुरुजी के पास जाकर अपने असली रूप को भीख में पाकर आया है। शिवानी को पिताजी मारने आए थे, उस दौरान पिताजी मारे गए थे। उनकी मौत के मैं और शिवानी दोनों गवाह हैं। तो फिर ये कौन है? ये आपका बेटा धनंजय नहीं है, ये आपका बड़ा बेटा दिग्विजय है। क्या कह रहे हो दिग्विजय, ये कैसे मुमकिन है? धनंजय, आओ बेटा। ये कैसे मुमकिन है? सभी लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? बात क्या है माँ? तुम दोनों भाई एक जैसे हो, जब भी खुश होते हो ना तो घबराने लगते हो। क्या खुशी? हाँ बेटा, घर छोड़कर जाने वाला वापस घर लौट आए तो खुशी होती है ना। इस घर का बेटा लौट आया है। कौन माँ? त्रिशूल लौट आया है क्या? अरे वो भी आ जाएगा, तुम्हारा बड़ा भाई लौट के आ गया है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि वो घर लौट आए।
ए, नंदीश, ये लोग क्या बोल रहे हैं? जी हाँ छोटे मालिक, बड़े मालिक लौट आए हैं। अगर मैं यहां हूं तो वो कौन है? कौन सा भाई? कहीं ये मेरे मुंह से ये तो नहीं बुलवाना चाहते कि मैं ही दिग्विजय हूं? ये कहीं आदिशेष या नागिन का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, जितना मर्जी शक कर लें, मैं इनसे हार नहीं मानने वाला। इनका शक दूर करने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना मैं इनकी बातों में फंसता चला जाऊंगा। भैया, भैया, भैया कहाँ हैं? आइए ना। कौन? पहले तू बता। तू बता, तू कौन है? मैं हूं दिग्विजय। ए, मैं हूं असली दिग्विजय। ए, बता कौन है तू? देखो माँ, कितना घबराया हुआ है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन। ओ, समझ गया। मैंने तुझे इस घर से निकाल दिया था। तूने मुझसे झगड़ा किया तो मैंने घर से निकाल दिया। अब भी गुस्सा है शायद। देख छोटे, भाइयों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहां कहां नहीं ढूंढा तुझे, कहां था तू? हाँ, अब तू वापस आ गया है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन वो तुम कौन? ए धनु, तू मेरे लिए ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है। बड़े भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? अरे छोड़ना धनु, क्यों टेंशन ले रहा है? आराम से रहना मेरे घर में। अरे तुम्हें तो सब याद है बेटा। कैसे नहीं होगा माँ, ये मेरा छोटा भाई है, सब याद है मुझे। सॉरी गाइस, आई नीड सम प्राइवेसी। मुझे अकेला छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए प्लीज? आप भी जाइए। मतलब मुझे भ्रम हुआ है? धनंजय को दिग्विजय समझना मेरा भ्रम था? तो फिर वो सब क्या था? क्या वो माया जाल था? हे परमेश्वर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस घर में? ए, कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रही हूँ कौन हो तुम, और ये भेष बदल कर यहाँ क्यों आए हो? मैं हूं दिग्विजय, तेरे पति को मारने वाला दिग्विजय। हे नागिन, मुझे तेरा ही इंतजार था। है?
मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ दिग्विजय बनकर आए हो, पर असल में तुम कौन हो? किस शक्ति ने यहाँ भेजा है तुम्हें? मजाक कर रही हो शिवानी? तुम्हारे लोग पर तो ऐसा मजाक नहीं करते हैं ना, तो तुम क्यों कर रही हो? मैं हूँ दिग्विजय राय, कनकपुर का जमींदार, इस घर का बेटा और तुम्हारे पति का पिता, तुम्हारा ससुर। इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। ए! दिग्विजय होते तो इतनी पहचान काफी होती, पर तुम वो नहीं हो। मरे हुए लोग सिर्फ दो ही जगह पाए जाते हैं, या तो स्वर्ग में या फिर नर्क में, और ऐसे में दिग्विजय जैसे दुष्ट की सिर्फ नर्क में ही जगह हो सकती है। उसने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि नर्क में घोर दंड भुगत रहा होगा। और तुम हो कौन, बताओ? दिग्विजय, दिग्विजय राय। मर गया लेकिन वापस कैसे आया, तुम्हारा यही प्रश्न है ना नागिन? अष्ट दिशाओं पर विजय पाने वाला, मार दो या मैं मर जाऊं, फिर से जीवित हो जाऊंगा। तुम्हारी शक्ति से और मेरे बेटे की शक्ति से तुमने सोचा मैं खत्म हो जाऊंगा? मुझे मसल के मार दोगे? मुझे चींटी समझा है क्या? तुम मुझे मारोगी? कम ऑन, ट्राई। तुम मुझे मार के दिखाओ, मैं फिर से जिंदा होकर दिखाऊंगा। आजा नागेन, आजा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पूरे घर वाले मिलकर तुम्हें मारेंगे। तुम द्रोही हो, दुष्ट हो, ये मैं सबको बताऊंगी। तुम्हारी कहानी तो आज ही समाप्त होगी, तुम देखते जाओ। हेलो, जस्ट अ सेकेंड नागिन। समाप्त मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी कहानी हो। मेरी वजह से तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ हुई? नहीं ना। लेकिन तुम नागिन होने के बाद भी मेरे इस घर में आई और मेरे बेटे से शादी की, क्यों ना मैं ये बात घर वालों को बता दूं? अरे मैंने तो बस एक दो सांपों को मारा, लेकिन तुमने तो मेरे सभी दोस्तों को मार डाला। उन्हें ये बताऊंगा कि तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। वैसे भी मेरा बेटा त्रिशूल दिख नहीं रहा, मैं इस घर में सबको यकीन दिला दूंगा कि तुमने उसे मारा है। मेरी एक बात को अच्छी तरह समझ लो नागिन, जब तक तुम मेरे बारे में बात नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगा। जिसे तुम ढूंढती हुई आई हो, उसे मैं भी ढूंढ रहा हूं। नागमणि को मैं पाकर रहूंगा, जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर रहूंगा। जब तक मैं जीवित हूं ये नहीं हो सकता। नॉनसेंस, तुम्हारे प्राण किसे चाहिए, मुझे तो नागमणि चाहिए। जब मैंने आदिशेष को मार दिया तो तुम क्या चीज हो? ए, हु आर यू? इतने टेंशन में क्यों हो धनंजय? इतने सालों बाद अपने बड़े भाई से मिले, हाउ आर यू की जगह तुम्हें हु आर यू नहीं पूछना चाहिए। तुम
अब तू ये नौटंकी करना बंद कर दे और मुझे बता दे कि तू है कौन। मुझे देखे हुए काफी साल बीत गए, शायद इसीलिए तुम इतने कंफ्यूज हो धनु। हाँ, मैं तुम्हें अक्सर धनु धनु कहकर बुलाया करता था, याद है ना? अपनी बकवास करना बंद कर, समझा? सिर्फ तेरा रूप दिग्विजय का है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू दिग्विजय नहीं है। तो बता, कौन है तू? तेरी सच्चाई क्या है, वरना मैं गन से उड़ा दूंगा तुझे। सिगरेट बिना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या कहा तूने? गन? निशाना लगाना आता है ना? तेरे बचपन में पटाखे वाली गन जब मैंने तेरे माथे पर रखी तो बेहोश हो गया था, अब गन की बात कर रहा है। शिवानी जी। हाँ? दिग्विजय। मैंने और त्रिशूल ने मिलकर उसे जान से मार दिया था। तो फिर वो वापस कैसे आ गए? मुमकिन ही नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर है। शिवानी जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बोलिए, मरा हुआ इंसान आखिर जीवित कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो भूगर्भ में चले गए थे तो वापस कैसे लौटे? कैसे वापस लौटे वो? अब है? वो भूगर्भ में चले गए थे, ये आप इतनी निश्चित रूप से कैसे बोल रहे हैं? आज भी तू मूर्ख की तरह मजाक क्यों करता है धनु? पेशेंस का टेस्ट मत लो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? रूप बदल के इस घर में आया है ना तू? मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तू सबको नुकसान पहुंचाएगा। अरे क्या बोल रहा है, नाटक करने के लिए कपड़े किराए पर मिलते हैं, वेशभूषा तो बदल सकते हैं, लेकिन इस रूप का क्या करेंगे? ओरिजिनल ड्रामेबाज, नाटक करना बंद कर, समझा? तू दिग्विजय नहीं है और यही सच्चाई है, इसका मतलब तू है असली दिग्विजय और मैं धनंजय। बोलना, तू कौन है, दिग्विजय या धनंजय? पहली बात, तुम इज्जत से बात करना सीखो। सच यही है कि तुम दिग्विजय नहीं हो। कौन हो, कहां से आए हो, बताओ मुझे। वो आपने कहा था कि वो जिंदा नहीं है, इसीलिए इसलिए मैंने बोला। मैंने ऐसा कहा था? हाँ, आपने बोला था, पर मुझे तो याद ही नहीं है। वो शायद आप भूल गई होंगी। इतने निश्चित रूप से आप बोल रहे हैं, लेकिन जब आप त्रिशूल को ढूंढते हुए यहाँ पूछताछ करने आए थे तब आपने कहा था उन्होंने आपको भेजा है, तब ये कैसे मुमकिन है? अब है इस घर में एंट्री लेने के लिए मेरा बनाया हुआ प्लान अब मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है, और अब शिवानी मुझसे सवाल कर रही है, मैं क्या जवाब दूं? जवाब दीजिए, आपसे ही पूछ रही हूं। वो कंप्लेंट हमारे डिपार्टमेंट में आई थी, डिपार्टमेंट वालों ने मुझे यहाँ भेजा। दिग्विजय से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मेरी उनसे कभी डायरेक्टली बात भी नहीं हुई। आप जिस तरह लड़खड़ाते हुए बात कर रहे हैं ना, इससे लग रहा है कि आप उलझन में हैं, और ये सब सिर्फ एक कहानी है। अरे शिवानी जी, जब मैं पूछताछ के लिए आया था तो आपने ही हजारों बार बोला था कि आपने ही दिग्विजय को मारा है, लेकिन ये सब छोड़िए, मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? तुम दिग्विजय नहीं हो, ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा। तुम मूर्ख के मूर्ख रहोगे, दिन के उजाले में रात बताने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी समझदार व्यक्ति तुम्हें बेवकूफ ही समझेगा। देखो, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है,
गुस्से से मैं कहीं हैवान ना बन जाऊं। जानता तो तुम जानवर हो। तुम कितने खतरनाक दरिंदे हो ये पहले भी जानता था मैं। मुझे और मेरे घर वालों को तकलीफ ना हो इसीलिए तुम्हें घर से बाहर भेजा था। मेरी गैर मौजूदगी में तू फिर से इस घर में राज करने आया है। तुम अपनी बकवास करना बंद करो क्योंकि तुम दिग्विजय नहीं हो। ओहो, मेरा भांडा फूट गया। तो फिर चलो घर वालों को बता देते हैं। सोच क्या रहे हो, चलो ना आओ। चलो ठीक है फिर, तुम दिग्विजय को ले आओ, हम बैठकर बात कर लेंगे। नहीं आएगा ना? अगर असली नहीं आएगा तो तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर टांग अड़ाई तो टांग नहीं काटूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा। आउट, गेट आउट। मेरी और मयूरी की शादी होगी लेकिन टूटेगी नहीं, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, जान लो तुम। इस तरह चिल्लाकर बोलने से जो तुम कह रहे हो वैसा नहीं होगा शेषनाग। नहीं मोहिनी, मयूरी से शादी करने के लिए मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। मयूरी मान गई है, यही मेरे लिए काफी है। वो मान गई है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो शेषनाग? उसका भी वही फैसला है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बल्कि मेरे लिए प्राण भी त्याग सकती है। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया और उसने शादी से मना कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा, वो मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करती है। यानी वो तुमसे विवाह करेगी? जरूर करेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है शेषनाग। तो फिर तुम खुद आकर उसका फैसला उसी से पूछ लो। मैं उसका प्रेम हूँ, मैं उसकी जान हूँ, ये बात वो खुद तुमसे कहेगी। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए शेषनाग। अभय शिवानी से बात करे इससे पहले हमें एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। तुम दोनों को विवाह करना होगा। चलो मयूरी के पास चलते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों खड़े हो? कहीं तुम्हें मेरे ऊपर शक तो नहीं है? बोलो। ऐसा नहीं है, वो जब भी तुम्हें पैसे चाहिए होते थे तब तुम ऐसे ही पीछे आकर खड़े हो जाते थे। खैर, तुम्हारी बेटी कैसी है? कहाँ है वो? गांव में है। ओ, तुमने बताया कि वो गांव में नहीं है। वो ठीक तो है ना? हाँ। और वो तुम्हारी जमीन पर जाली डालने के लिए कोई आया था? मैंने तुमसे कहा था चिंता मत करो, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? हाँ, सब ठीक हुआ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वही उलझने दिख रही हैं, क्यों? वो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब मैं घर में नहीं था, दमयंती, गोविंद या किसी ने कुछ कहा? कोई बदतमीजी या फिर? नहीं, नहीं, नहीं। तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? उदासी नहीं है, बस आपको देखने के बाद क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है लेकिन ये बिल्कुल सही समय नहीं है, इसलिए चुप हूं। मैं घर से बाहर तो था लेकिन मेरे मन में अशांति नहीं थी, क्योंकि एक बात मैं जानता था, इस घर में तुम हो, बहुत हिम्मत मिलती है तुमसे। पूरे संसार में चाहे कुछ भी बदल जाए तुम नहीं बदलोगे। जब मैं घर लौटा तो सबकी आंखों में एक शंका थी, प्रश्न था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी आंखों में मैं खुशी देख पाया। नंदीश, जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे गर्व होता है। मालिक, तुम मेरे मित्र हो, तुम दिल में रहोगे, पैरों में नहीं। ए!
शत्रु दिग्विजय। नागमणि को चुराने वाला वो दिग्विजय, तुम कह रही हो कि वो लौट आया है तुम्हारे और आदिशेष के मानव रूप में। त्रिशूल के संहार से वो मर गया था ना? और वो तो पाताल के गर्भ में चला गया था ना? नहीं, मरा हुआ फिर से जीवित होकर वापस नहीं आ सकता, असंभव है ये। लेकिन वो लौट आया है स्वामी जी, वो दिग्विजय ही है। काल के अंधेरे में विलुप्त होने वाले उस दिग्विजय का आखिर रहस्य क्या है? भोलेनाथ, सदैव नागमणि पाने के नशे में रहने वाले तुम्हें भ्रम हुआ होगा। ज्वाला मालिनी के भक्ति के नशे में आपको भ्रम हुआ है। दिग्विजय गुरुजी, वही दिग्विजय है, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? उसके भेष में कोई और भी तो हो सकता है ना? अरे 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 गुरुजी, मुझे भी पहले वही लगा था और शक भी था कि घर पर जो धनंजय है ना, हो ना हो असल में वही दिग्विजय है। लेकिन मालिक जब घर पर लौटे ना, तब 25 साल पहले मिले अपने भाई को पहचान लिया और उससे बातें भी की। धनंजय ही दिग्विजय है ये सत्य है, लेकिन ये कौन है? असंभव, असाध्य, तुम दिग्विजय हो और ये सच है। लेकिन जो आया है वो कौन है? तुम हो, ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, तो फिर कौन है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उसे सब पता है, सब जानता है, वो मेरी माँ से प्यार से बात करता है, मुझे अपना छोटा भाई कहता है, नंदीश से प्यार से बात कर रहा था, बच्चों के बारे में प्यार से पूछ रहा था, आखिर वो है कौन? यदि वो लौट आया है तो नागमणि प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उसके हर कदम पर नजर रखो तुम, शत्रु क्या काम कर रहा है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, नागमणि उसके हाथों नहीं लगनी चाहिए, याद रखना तुम। वो इतने दिनों बाद वापस लौटा है, पूरी तैयारी के साथ आया होगा वो। स्वामी जी, ये सब क्या हो रहा है? जो आया है वो सच में दिग्विजय ही है या फिर उसके रूप में कोई माया भी है? यदि हमें इस बात को जानना है तो दिग्विजय की जगह पर जाना होगा, जहां वो पाताल के गर्भ में था, वहां जाना होगा। अगर हम वहां चले गए तो उस सर्वेश्वर के आशीर्वाद से हमें सब पता चल जाएगा। हे रुंडमालिनी माता, अपने इस भक्त को उत्तर दो। माता उत्तर दो। डरो मत नंदीश, आने वाला जो भी मायावी है वो कौन है इस दर्पण से पता लग जाएगा। आने वाला चाहे गंधर्व लोक से ही क्यों ना हो, भूलोक का कपटी ही क्यों ना हो, मंत्र तंत्र जानने वाला मायावी ही क्यों ना हो, चाहे जो कोई भी हो उसका पता चल ही जाएगा। गुरुजी, दिग्विजय मायावी, मंत्रवादी, लेकिन मेरे रूप में आने का उसका मकसद क्या है?
सबका उत्तर मिलेगा दिग्विजय, उसे पलटने दो। यही यही गुरुजी, मैंने और त्रिशूल ने उसे कुचलकर पाताल में धकेल दिया था। तब त्रिशूल के पास आदिशेष की शक्ति आ चुकी थी। त्रिशूल को पता था कि वो अपने पिता को मार रहा है। वो बहुत क्रोधित था। यही दिग्विजय की मृत्यु हुई थी। हे त्रम्बकेश्वर, अघोर नाथेश्वर, यदि उस दिग्विजय का कोई अंश इस पाताल के गर्भ में विराजमान है तो मुझे दिखाओ। ये कैसी माया है? क्या हुआ? पाताल के गर्भ में दिग्विजय का कोई अंश नहीं दिख रहा है। पाताल के गर्भ के सामने वो जीवित नहीं लौट सकता। यदि उस दिग्विजय का अंश पाताल के गर्भ में होता तो मुझे दिख गया होता। अगर दिख नहीं रहा है तो मतलब वो दिग्विजय जीवित है। निसंदेह रूप से वो जीवित है। ये रूप पाने के बाद मुझे लगा मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पुराने प्रश्नों के साथ नए नए प्रश्न ऐड हो रहे हैं। मरे हुए पिताजी वापस लौट आए और वो विशेष उसे मनुष्य समझा था, वो सांप निकला। इस बात को घर वालों को बताकर विश्वास दिलाने वाला था। इतने में पिताजी लौट आए। अब मैं क्या करूं? पिताजी के बारे में पता करूं या विशेष के बारे में? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। पहले मुझे उसके सांप होने का सच सबको बताना होगा, क्योंकि ये मयूरी के जीवन का सवाल है। उसका जीवन खतरे में है। ये बात शिवानी को बताने का कोई फायदा नहीं था। अब मैं क्या करूं? इस बात को मयूरी को ही बताना होगा। इस शादी को मुझे रोकना ही होगा। उसके साफ होने की सच्चाई मैं उसे बता कर रहूंगा। अभी ये काम करता हूं। यही दिग्विजय है। तो फिर मैं कौन हूं? उलझन हो रही है दिग्विजय। मेरी मंत्र शक्ति से उसका असली चेहरा यहां दिखना चाहिए था। यहां उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन असली दिग्विजय तो मैं हूं। सोचो मत, मैं सारी शक्तियों को संग्रह करूंगा। तुम कल आओ, मैं तुम्हें कल स्पष्ट बताऊंगा कि कारण क्या है। तब तक तुम उस पर नजर रखो। छोटे बदलाव के बारे में भी मुझे आकर बताना, वो सामान्य नहीं है। लेकिन गुरुजी, देखो दिग्विजय, उसकी असलियत जानने के लिए जितनी तुम्हें जल्दी है उतनी ही मुझे भी जल्दी है। पता लगाऊंगा वो कौन है, उसका पता लगाऊंगा। वो चाहे अतल वीतल पाताल रसातल सुतल कहीं से भी विद्या जान के आया हो, उसे बंदी बनाकर उसका उद्देश्य क्या है ये जान कर रहूंगा। ये कैसे मुमकिन है? आदिशेष की शक्ति को चुनौती देने वाली शक्ति कोई है ही नहीं। तो फिर ये असंभव संभव कैसे हो सकता है? हे महादेव, उसका फिर से जीवित होना क्या सच में कोई वास्तविकता है? जीवित है शिवानी, तुम्हारा एक और शत्रु जन्म ले चुका है।
शत्रु को किसी भी कारण जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु का संहार करना ही होगा। परम पावन नागमणि को चुराने वाले को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। मेरे आदिशेष को मारने वाले को मृत्यु से बड़ी कोई शिक्षा नहीं मिल सकती स्वामी जी। इसीलिए मैं उसे मार दूंगी।